पहले हमने डेरिवेटिव किया, हमने क्या किया डेरिवेटिव, तो क्या देखा हमने कि क्या आया 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये क्या आ गए क्रिटिकल पॉइंट आ गए, यानी कि क्रांतिक बिंदु आ गए। क्या गए क्रांतिक बिंदु आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, बात खत्म हो गई। अब हमने क्या कहा कि इसी के आसपास, पहले हमने चलो x इक्वल टू माइनस 1 उठा लिया सपोज कर लो, तो माइनस 1 के इधर क्या होता है माइनस 2 माइनस 3 इधर ऐसा होता है, और इधर क्या होता है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। एक्चुअली में पता क्या हो रहा है, तुम लोग इसकी लीला समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली में ये उठाया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही। अगर तुम इधर की बीच की वैल्यू कहीं भी रखोगे माइनस 1 के इधर की, तुम कोई बीच की वैल्यू रखो तो ये बताओ प्लस में देगा या माइनस में देगा, बस इतना देखो प्लस में दे रहा है, ये दे रहा है प्लस में, तो एफ डैस एक्स का मान यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अब प्लस से अब इधर देखो प्लस दे रहा है माइनस दे रहा है, सोचो माइनस दे रहा है, तो मतलब ये वैल्यू हो गया माइनस एफ डैस। और मैंने क्या बोला था, अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव जाए उसको क्या कहते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट, उच्चिष्ट क्या बोलते हैं उच्चिष्ट, क्या इसमें पॉजिटिव दे रहा है रख के देखा अच्छा स्क्वायर है, तो फिर डिसाइड नहीं करोगे फिर और आगे रखोगे, ऐसा नहीं है। अरे माइनस वन इधर जीरो कहाँ से आ जाएगा, इधर पहले जीरो आएगा, माइनस वन के बाद क्या आता है जीरो आता है, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया तुम लोगों ने। आसपास रखो इसकी वैल्यू इधर की और इधर की, माइनस वन के बाद प्लस वन थोड़ी आता, माइनस वन के बाद क्या आता है जीरो देगा निगेटिव देगा नहीं, अब रखो जीरो जरा रखो क्या मिला ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मिला अब नहीं मिला, मिला ऐसे कैसे नहीं मिलेगा यार। माइनस में परीक्षण किया, पहले मिल गया तुम्हारा पॉजिटिव उसके बाद मिला तुम्हारा नेगेटिव, एकदम सही तो जा रहा है एकदम सही। तो फलन क्या होगा उच्चिष्ट या निम्निष्ट बोलो, फलन क्या होगा उच्चिष्ट, और मान कितना आएगा जरा बताओ मुझे। तो एफ माइनस वन की वैल्यू बताओ, एफ माइनस वन की वैल्यू बताओ जीरो है सर, मारेंगे थपरा सही पड़ जाएगा, बोला जीरो बेटा गड़बड़ा रहा है मामला। माइनस एक का क्यूब करोगे माइनस एक हुआ, माइनस माइनस प्लस का तीन, तीन तीन हुआ छः, छः में घटाओ कहाँ से जीरो, अच्छा जीरो किसी भी हालत में नहीं आएगा माइनस में रखने पर यार ये मुझे परेशान कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आएगी कि यहाँ से आएगी बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर मुझे ये चाहिए, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी निकालने के लिए बोलते हैं लोग ऐसे, हिंदी में ही सीखो तुम लोग है ना, स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट, इसका शुद्ध नाम ये होता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, मतलब स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट निकाल रहे हैं हम लोग है ना। स्थानीय निम्निष्ट क्या होगा, स्थानीय निम्निष्ट ठीक है, तो सॉरी निम्निष्ट अभी चेक नहीं किया हमने, अब चलो प्लस वन पे चेक करो, किस पे चेक करो प्लस वन पे, अब चलो प्लस वन पे चेक कर लेते हैं। इधर होगा तुम्हारा क्या जीरो जीरो सब होगा, इधर क्या होगा तुम्हारे पास दो तीन चार पाँच इधर, अब बताओ इधर नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव, आसपास देखना होता है ज़्यादा दूर का नहीं, इधर नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव बोला पॉजिटिव, जीरो रख के देखो भैया नेगेटिव, हाँ हाँ जीरो रख के देखो इसमें नेगेटिव, अब हाँ अब इधर रख के देखो पॉजिटिव, अब इधर मिलेगा पॉजिटिव, इसने क्या किया नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है क्या होता है निम्निष्ट, यानी स्थानीय न्यूनतम मान ठीक है, स्थानीय न्यूनतम मान होगा कितना होगा, अच्छा रखो प्लस का एक रखो इसमें, प्लस का एक रखो एक ही आएगा, क्या आएगा एक, देखो पाँच बड़ा या एक बड़ा पाँच, तो जाहिर सी बात है ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया है लोकल मिनिमा, आई थिंक समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया ठीक है कर लो एक क्वेश्चन। टू एक्स क्यूब
माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस फाइव। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु निकालना है। किस पे स्थानीय उच्चतम या किस पे स्थानीय न्यूनतम देगा? स्थानीय मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बताओ भाई क्या है ये? x की वैल्यू कितनी आई? एक आई। जब x की वैल्यू एक आई तो उसके आसपास बाउंड्री बनाओ। इधर कुछ वैल्यू पास के देखा जाए, दूर के ना देखा करो, पास के एकदम। जैसे एक है तो 1.2 का देख लो और 0.9 का देख लो, फिर देखो कि दोनों में पॉजिटिव आता है नेगेटिव, मेरे पास समझो, फिर उसमें पॉजिटिव आता है या नेगेटिव ये देख लो। अब पता चला पॉजिटिव आता है, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है या दोनों में ही निगेटिव आ रहा है, आप निर्धारण नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? भाई हमारी थ्योरम क्या कहती है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तुम्हें चीज देखने को मिलेगा कि जैसे डेरिवेटिव आपने किया, ठीक है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस का 6, और जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो आया 6x-1 का होल स्क्वायर। आपने जब 0 रखा तो x इक्वल टू 1 आ गया। क्या गया? 1। अब 1 के आसपास मतलब क्या हुआ, इधर 0.9 रख सकते हो और इधर 1.2 रख सकते हो, आसपास का मतलब ये हुआ। और दोनों वैल्यू रख के देख लो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब इसमें ये निगेटिव निगेटिव देता या पॉजिटिव पॉजिटिव देता, तो हम निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम बोलेंगे ना तो ये स्थानीय उच्चिष्ठ होगा और ना तो इसका कोई स्थानीय निम्निष्ठ होगा। अभी बात नहीं समझे क्या? आ गई क्लियर हुआ? ये इसका निर्धारण नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा और इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा, है ना, इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा और इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा, दोनों में ही पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो? ना तो उच्चिष्ठ ना तो निम्निष्ठ। क्लियर हो गया? तो जब भी ऐसा मिल जाए ना तो ची ना तो निम्निष्ठ, तो इस वाले बिंदु को बोलते हैं नति बिंदु। कौन सा बिंदु? नति बिंदु बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंग्लिश में। अब तो ठीक है, नति बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन हो गया उसको तभी ना तो ची ना तो निम्निष्ठ। चलो अब तो बताओ कर पाओगे? ठीक है, अब एक और बचा है टेस्ट, वो टेस्ट होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा प्रयास करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन लगाने का, 2010 क्वेश्चन आज इससे लगाओ, है ना, पता चलेगा कि हमने कितना अप्रोच किया, इसको कितना समझा। बस नहीं समझे, फिर कल हम पढ़ा देंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट, फिर उसके क्वेश्चन लगवा देंगे, है कि नहीं है, तब आपको समझ में आ जाएगा। बताओ सबको पहले समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? पहले हमने सीखा अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो स्थानीय उच्चिष्ठ और नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो स्थानीय निम्निष्ठ। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सीधा तरीका क्या है कि एफ डैश करो, जीरो कर दो, तो पॉइंट जो निकलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, यानी क्रांतिक बिंदु। अगर किसी बिंदु पर ना तो उच्चिष्ठ ना तो निम्निष्ठ होता है तो हम क्या बोलेंगे? जैसे इस पॉइंट पे ये क्रांति, देखो ये क्रांतिक बिंदु है, ये क्रांतिक बिंदु है, परंतु
इसमें निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि उचिष्ठ है या निम्निष्ठ, ना तो उचिष्ठ ना तो निम्निष्ठ निकला, तो इस वाले पॉइंट को क्या नाम दिया, नति बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ? तो ये थ्योरी है आज की। सबको थ्योरी क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट डे टू टेस्ट में मैंने ये बताया था कि पहला काम होता है आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि आप सिंपली फर्स्ट डे टू करिए और डे टू के बराबर जीरो कर दीजिए, उससे निकलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकलने के बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या बनता है, सबसे मोर इम्पॉर्टेंट भी होता है कि हमें डेरिवेटिव के चिन्ह पता करने हैं भाई, कहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आए उसके अगल बगल से, उसके बाएं से और उसके दाएं से। आप ये देखो बाएं से दाएं जाने पर क्या ऋण से निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो निम्निष्ठ होगा, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो उच्चिष्ठ होगा, लेकिन अगर सेम साइन रह रहा है तो सेम साइन, तो सेम साइन मतलब क्या हुआ, ना तो उच्चिष्ठ ना तो निम्निष्ठ। ये हम लोगों ने कल सीखा था, सबको समझ आ गया। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है वो सीखिए। ये तो हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक हुआ विदाउट डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया अप्रोचिंग से, एक हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो सबसे पहला बड़ा मुश्किल काम होता है बिना अवकलन के हमें ये पता करना कि कहाँ पे उचिष्ठ कहाँ पे निम्निष्ठ। बहुत लंबी वैल्यू होती है उस पूरे रियल नंबर में, यह सोचना या उस पूरे डोमेन में सोचना कि किस पॉइंट पे जाके ये निम्निष्ठ हो रहा है और किस पॉइंट पे जाके ये उचिष्ठ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। फिर हमारे पास एक टेस्ट आया जिसकी वजह से हमने थोड़ा काम को आसान किया है ना, हमने डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले और फिर पॉइंट की सहायता से उसके आसपास के वैल्यू से पता किया कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव, तो हमें चीज़ें आसान लगी। फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी टफ है, आसपास की वैल्यू देखना इस बड़ी कंफ्यूजिंग है ना। तो मेरे पास आता सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कि हमें और भी क्लियर कर देता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखा जाए इन दोनों टेस्ट से ईजी होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, कोई फलन हमें दिया गया, कोई फंक्शन हमें दिया गया, ये फलन दिया गया और किसी न किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा, किसी न किसी डोमेन में डिफाइन होगा फंक्शन, ठीक है। मान लिया हमने कोई डोमेन है उसमें ए में ए मान लो डिफाइन है, अब ए है तो सबसेट ऑफ आर बोल दो, हो सकता है आर हो या इसका सबसेट हो, उसमें ये डिफाइन है, बस ना रही है। हमें करना क्या होगा, हमें फर्स्ट टाइम ये करना होगा इसका सिंपल एक बार डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव कर लो और इक्वल टू जीरो रख दो। इक्वल टू जीरो रखने का कारण होता है हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या रखते हैं डेरिवेटिव का इक्वल टू जीरो। अब जैसे डेरिवेटिव का इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएंगी जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, वो निकाल के रख लेंगे। फिर सेकंड वर्क हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब मैं ये जब कर लेता हूँ मुझे करना होता है सेकंड डेरिवेटिव, क्या करना होता है सेकंड डेरिवेटिव, और क्या हो जाएगा अगर सेकंड डेरिवेटिव किया और ये पॉइंट भी बारी बारी आपको रखना है। सपोज करो पॉइंट यहाँ ए आया, क्या आया ए, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ ए आया, तो आपने रखा कि एट एक्स इक्वल टू ए पर ये देखो ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। अगर मान लो ये पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है निम्निष्ठ बोल देना है, क्या होगा निम्निष्ठ। किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पर, जिस पॉइंट पर ये पॉजिटिव दे रहा है उस पॉइंट पर ये निम्निष्ठ है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर नेगेटिव दे रहा है उस पॉइंट पर क्या होगा उच्चिष्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये उच्चिष्ट निकल आया। लेकिन कभी सोचा है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव सीधे हो जाए जीरो, तो क्या कहेंगे गलत गलत। जब भी जीरो मिल जाए इसका मतलब हुआ टेस्ट अभी हमारे लिए कंप्लीट नहीं हुआ, हम आगे बढ़ेंगे। फोर्थ वाले में आ गया या सिक्स्थ वाले में डेरिवेटिव में जीरो नहीं आया या सेवन्थ वाले में, कहीं ना कहीं समझना मेरी बात को ध्यान से, फोर्थ सिक्स्थ एट्थ टेंथ मतलब जो इवन है इवन डेरिवेटिव, उस ऑर्डर में जब मैं इवन डेरिवेटिव में ऑर्डर में करता हूँ तो उसमें एक समस्या एक बिल्कुल नहीं होती है, उसमें रूल यही चलता है पॉजिटिव आया तो निम्निष्ठ और नेगेटिव आया तो उच्चिष्ठ। मान लो कि डेरिवेटिव किया मैंने लेकिन ए रखा हो ये जीरो हो गया, निर्धारण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमने जाके तुरंत थर्ड वाला कर दिया और थर्ड में देखा कि जीरो नहीं आया, बस ये देखना है जीरो आया कि नहीं आया। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता, इसमें इतना देखा जाता कि जीरो आया कि नहीं आया। मेन सेंस हमारा काम करने का क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारते हैं ना। मेन सेंस काम करने का क्या है, मेन सेंस है कि हम पहली बार डेरिवेटिव करेंगे, जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्लियर हुआ। फिर हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव करेंगे और पॉइंट रखेंगे, अगर आया पॉजिटिव तो निम्निष्ठ, अगर आया नेगेटिव तो उच्चिष्ठ, अगर आया जीरो तो कुछ कह नहीं सकते। और जीरो जब तक आएगा तब तक आपको डेरिवेटिव करना होता है ना, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे।
जीरो जब तक आता रहे तब तक आपको डेरिवेटिव करते रहना है इस पॉइंट पर, ना कि ऐसे इस पॉइंट पर। मान लो आपने थर्ड बार डेरिवेटिव किया, सुनना, थर्ड बार डेरिवेटिव किया, फोर्थ बार डेरिवेटिव किया, फिफ्थ बार डेरिवेटिव किया, इस तरह करते हुए चले जाओ। कब तक डेरिवेटिव करना है? जब तक जीरो ना आए। जब तक जीरो आ रहा तब तक डेरिवेटिव करते जाओ, ठीक है? नहीं सुना है क्या मेरी बात? आगे उस पॉइंट को रखा, देखा डेरिवेटिव, देखा फिर देखा जीरो आ रहा है, फिर डेरिवेटिव किया, फिर देखा जीरो आ रहा है। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, सपोज कर लो होल पावर फोर ले लो यहाँ पे, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हमने किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? फोर एक्स माइनस वन का होल क्यूब, यही आएगा। और जैसे इक्वल टू जीरो रखोगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? केवल वन। क्या आएगी? वन। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा बेटा? तो 12x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जैसे तुम वन रखोगे वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या कोई वैल्यू मिली क्या? नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते नहीं हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। जीरो को हम ये नहीं कहते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जीरो मतलब जीरो, ना तो ये पॉजिटिव ना तो ये नेगेटिव। निर्धारण नहीं हो पाएगा जीरो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जीरो एक पूर्णांक है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, है ना? समस्या क्या आई कि भाई साहब जीरो आ गया, हमने देखा कि एट एक्स इक्वल टू वन पर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया? जीरो। अब जीरो आ गया इसका मतलब थोड़ी है कि उचित है निम्निष्ठ, ये भी नहीं कह सकते हो ना तो उचित ना तो निम्निष्ठ, ये भी नहीं कहोगे। कब तक नहीं कहोगे? जब तक कोई रिजल्ट ना आ जाए। जैसे हमने किया डबल ट्रिपल डैश, क्या कर दिया हमने? ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश के बाद क्या आ गया? चौबीस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं होगा बना इतना। अब इसमें एक्स इक्वल टू वन रखो, जीरो, अभी भी जीरो आया। हम यही कह रहे थे कि जब तक जीरो आया था तो डेरिवेटिव करना है तुम्हें, ठीक है? अगला कर लो, फोर्थ टाइम करो, क्या आएगा भैया? क्या आया? चौबीस। अब देखो इवेन वाले में हमें प्लस या माइनस की वैल्यू मिल गया। अब मैं एक्स इक्वल टू वन रखूँगा, रहेगा चौबीस ही? नहीं रहेगा? रहेगा। तो हमें पता चला कि एक्स इक्वल टू वन पर इसका मान क्या रहेगा? एक्स इक्वल टू वन पर इसका मान क्या रहेगा बेटा? प्लस का चौबीस ही रहेगा, ठीक है? इसका मतलब ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ, तो ये होगा निम्निष्ठ। यानी एक्स इक्वल टू वन पर ये फंक्शन क्या होगा? निम्निष्ठ होगा, ना कि उच्चिष्ट। क्या होगा? निम्निष्ठ होगा। देखो मिला इस डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट। मैं अगर छः लेता, सपोज करो मैं यहाँ पाँच लेता, क्या लेता मैं यहाँ? पाँच। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या आता? चार, यहाँ पाँच आता। यहाँ क्या आता? तीन। यहाँ क्या आता? हाँ, यहाँ क्या आता? बीस। और यहाँ क्या आता? यहाँ इतना है, ठीक है? और जब डेरिवेटिव करते यहाँ क्या आ जाता? स्क्वायर आ जाता। अब क्या आता आगे? हाँ, एक सौ बीस एक्स माइनस वन फोर्थ में। फिर तुम्हें क्या आता? एक सौ बीस आता। अब फिर तुम्हें अशून्य संख्या मिल गई। अब इसके आगे तो डेरिवेटिव करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर अब यह शून्य नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फंक्शन है ना तो उच्चिष्ट है ना तो निम्निष्ठ है। सीखे इस नियम को? सीखे नहीं? सीखे नहीं? सीखे क्या? अब इसमें रख के देख लो जीरो हो जाएगा, इसमें भी रख के देख लो जीरो हो जाएगा, इसमें भी रख के देख लो जीरो हो जाएगा। सब में क्या हो रहा था? जीरो। तो जब तक जीरो ना हो तब तक तुम डेरिवेटिव करते चले जाओ, जब तक जीरो ना हो तब तक डेरिवेटिव करते चले जाओ। अब हमने देखा कि इस वाले संख्या में जीरो नहीं हुआ, तो अगर ऑड वाले में, ऑड वाला मतलब थ्री फाइव सेवन या पहले में ही अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है तो मैं क्या कह दूंगा? ना तो चीज ना तो निम्निष्ठ। पहले से नाराज होता नहीं है इसलिए तीसरे से उठाते हैं। क्या सोचते? तीसरे से। तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां या ग्यारहवां, इनमें जब भी डेरिवेटिव करोगे और इनमें अशून्य संख्या मिल जाए। क्या मिल जाए? अशून्य संख्या। ना प्लस देखो ना माइनस, ये देखो शून्य है या नहीं है। अगर अशून्य संख्या मिल जाए, उल्टा बोल दिया मैंने, पहले शून्य बोल दिया था, वो गलत हो गया था। क्या बोल जाए? अशून्य संख्या मिल जाए, तो ये मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधारो मन में। अशून्य वहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अशून्य। मैंने शून्य बोल दिया, आप शून्य तो ला ही रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है? अशून्य संख्या मिल जाए तो फिर वहाँ क्या करते हैं? ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ठ होता है। इसको फिर से समझाएं, टेस्ट को फिर से समझाएं लड़कियों। टेस्ट क्या कहता है पहले बताओ? फर्स्ट डेरिवेटिव करके बराबर क्या रखें? जीरो। क्या निकलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव करेंगे
उन पॉइंट को रखेंगे, जैसे पॉइंट को रखेंगे अगर प्लस में आंसर आ जाए डबल डेरिवेटिव का, प्लस में तो क्या आ जाएगा निम्नेश, अगर किस में आ जाए माइनस में क्या होगा, और जिसमें अगर मान लो इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर हम फिर डेरिवेटिव करेंगे और फिर पॉइंट को रखेंगे, और मान लो इस तरह डेरिवेटिव करते जाएंगे, कब तक डेरिवेटिव करेंगे, जब तक अशून्य संख्या ना मिल जाए, जब तक अशून्य संख्या ना मिल जाए तब तक डेरिवेटिव करेंगे। अगर इवन में अशून्य मिलता है तो ये देखो कि पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव है तो निम्निष्ठ, निगेटिव है तो, लेकिन अगर ऑड में अशून्य संख्या मिल जाए तो ना तो शेष ना तो निम्निष्ठ, ये नियम है। बोलो समझ में आया, समझ में आया, लापरवाही का नतीजा देख लिया ना आपने आज। बढ़ाएं इसको, बढ़ा दें, इतना बढ़िया एग्जांपल लिया, इतना प्यारा एग्जांपल लिया, लेकिन तुम लोग ना समझ नहीं पा रहे हो, है ना, बहुत प्यारा एग्जांपल लिया मैंने तुम्हारा। अच्छा ये सोचने वाली बात थी, थोड़ा सा सोचो, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने एक्स माइनस वन का होल पावर फोर लिया तो यहाँ निम्निष्ठ वैल्यू मुझे मिल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल पावर फाइव लिया तो ना तो उच्चिष्ठ मिला ना तो निम्निष्ठ मिला, ऐसा क्यों हुआ? हाँ तो और से क्या मतलब है, और से क्या मतलब है, यानी माइनस में भी आंसर आ सकते हैं और प्लस में भी आ सकते हैं। अच्छा अरे बताओ सही सही हो, हमने ये थोड़ी बोला गलत है, सही हो सकता है ना, हमने ये थोड़ी कह दिया वो गलत ही है तुम्हारे सारे आंसर जो तुम बोल रहे हो, एकदम सही बात है। इवन है तो ये सभी को प्लस करेगा, चाहे माइनस में भेजो तो भी प्लस कर देगा, और प्लस तो प्लस ही रहेगा ही, तो प्लस में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, जीरो, कन्फर्म हो गया। लेकिन माइनस में तुम छोटी कैसे पता करोगे, माइनस भाई इधर प्लस वाला भागता चला जाएगा इधर की ओर और माइनस वाला भागता चला जाएगा इधर की ओर, अब निर्धारण कैसे करो, मान लो तुमने रखा माइनस का चार, तो माइनस चार माइनस से कितने होते हैं, माइनस के पाँच, उसकी पावर करोगे माइनस में ही वैल्यू आएगी, और कोई रख देता है माइनस का छः तो माइनस में और वैल्यू इधर गई, तो छोटा पता कर पाओगे नहीं, इस तरह बड़ा भी पता नहीं कर पाओगे तुम, नहीं समझ क्या बात, इसमें ना तो तुम छोटा पता कर पाओगे ना तो तुम बड़ा, इसलिए ना तो ये उच्चिष्ठ था ना तो ये निम्निष्ठ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, है ना। और इसमें क्या होगा, उच्चिष्ठ तो नहीं है लेकिन निम्निष्ठ है, और निम्निष्ठ कितना है, जीरो वैल्यू आएगी, और किसने पे आएगी, वन पर, नहीं समझ क्या बात। अगे ये तो अभी हमने ये सिखाया था विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब बिना किसी डेरिवेटिव के कैसे चेक करते हैं वो मैंने सिखाया था, फिर मैंने सिखाया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और आज मैंने सिखाया डबल डेरिवेटिव टेस्ट, वो ये फाइनल टेस्ट है, इसके बाद इसमें कोई टेस्ट नहीं है ना आपके सिलेबस में।